अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल और मेथी की भाजी को मिलाकर ऐसी सब्जी जो टेस्टी भी है और आप इसे लंच में, डिनर में या फिर ब्रेकफास्ट में बनाएं, ये बहुत मज़े की बनती है। आप किसी सफ़र पर जा रहे हैं तो आप इसे बनाकर रख लें, ये बहुत मज़े की लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। आधा कप मूंग की दाल, इसे हमने एक घंटे पहले पानी में भिगा कर रख दिया था। दाल अच्छे से भीग गई, इसका पानी हमने हटा दिया। और आधा किलो हमने यहाँ पर मेथी की भाजी ली, भाजी को साफ़ किया, इसे 3 से 4 पानी से धोया और धोकर बारीक काट लिया है। और 4 से 5 लहसुन की कलियों को इस तरह हमने बारीक काट लिया है। और यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च और इसमें 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे दरदरा पीस लिया है। और 4 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर, 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। 1 चम्मच के करीब इसमें डालेंगे ऑयल। तो तेल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, ये लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। तो 1 से 2 साबुत लाल मिर्च ये डाल देंगे। लहसुन को थोड़ा पकाने के बाद में अब इसमें ये प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। अदरक और हरी मिर्च का ये पेस्ट और थोड़ी देर इसे भी भून लेंगे। तो ये मिर्च और अदरक भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें 1 चम्मच पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और ये टमाटर डाल देंगे, टमाटर भी थोड़े पक गए हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक और ये भीगी हुई दाल डाल देंगे। और बस अच्छे से कर देंगे इसे मिक्स। पानी डालेंगे तो पानी हमने यहाँ पर 1/2 कप से थोड़ा सा कम लिया है, ये डाल देंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब इसे हम ढाँक कर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये दाल अच्छे से गल नहीं जाती। फ्लेम हम यहाँ थोड़ा स्लो ही रखेंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, थोड़ी देर ढाँक कर पकाने के बाद में अब एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, दाल जब थोड़ी गल जाए तो अब इसमें मेथी की भाजी डाल देंगे और बस ये भाजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये भाजी का पानी अच्छी तरह सूख गया है और जो दाल थी वो भी अच्छे से गल गई है। तो इस तरह आप दाल और भाजी को बनाएं, आपको आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आएगी। आप किसी भी टाइम पर इसे बना सकते हैं, लंच में, डिनर में या फिर आप कहीं सफ़र पर जा रहे हैं तो आप इसे बनाकर रख लें, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह।